हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक, जहां पे मिलता है आपको सॉल्यूशन आपकी हर प्रॉब्लम का। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, स्नैपचैट में बहुत से लोगों को फिल्टर्स ओपन करने में ग्लिच आता है। जो लेंसेज होते हैं फिल्टर्स के, वो ओपन करने में ग्लिच आता है, तो वो कैसे सही होगा। हालांकि मुझे अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन मेरे बहुत से मिलने वालों को आ रही थी, तो मैंने सोचा इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। तो उसके लिए सिंपल हम लोग अपना स्नैपचैट ओपन करेंगे, क्योंकि स्नैपचैट में ही आपको ये प्रॉब्लम दिखाई जा सकती है। स्नैपचैट ओपन करने के बाद ये जो लेंसेज है ना, बहुत से लोगों के लेंस ओपन ही नहीं होते हैं, पता नहीं क्या एरर रहता है, ग्लिच रहता है। तो वो कैसे सॉल्व होगा, सिंपली हम आपको आज बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्रोफाइल का आइकन है, वहाँ चले आना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको लेंसेज का ऑप्शन ढूंढ लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखोगे तो आपको मेमोरीज के नीचे लेंसेज दिखेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर लोकल लेंस डाटा दिखाई देगा, क्लियर और लेंस डाटा। पहले आपको क्लियर लोकल लेंस डाटा क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको सब कुछ आगे का भी डाटा क्लियर कर लेना है। यहाँ से आप लोग बैक आ जाओगे। इसके बाद आप लोग देखोगे 90% आपके सारे लेंस जो भी हैं फिल्टर सब वर्क करने लगेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली एक और स्टेप मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं, अपने इंस्टाग्राम को बैक करना है और रिसेंट टैब में जाके आइकन में टैप करके आपको ऐप इन्फो में चले जाना है। ऐप इन्फो में आने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैशे दिखेगा, वहाँ जाके क्लियर कैशे में टैप कर देना है। यहाँ से आपका इंस्टाग्राम का स्टोरेज का कैशे क्लियर हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। अब जब आप यहाँ से अपना स्नैपचैट खोलोगे, तो आपका सब कुछ चलने लगेगा।